आप सभी का एपीएस स्टडी में स्वागत है। आज हम साझेदारी के और प्रश्नों को हल करेंगे। साझेदारी में हम लाभ हानि नियोजन खाता चैप्टर नंबर फर्स्ट को हम पढ़ रहे थे, उसमें क्रियात्मक प्रश्न हम 12 तक हल कर चुके हैं। अब हम क्रियात्मक प्रश्न 13 की ओर आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 13 को देखिए, 13 में लिखा क्या है? तो त्रिपाठी एवं चौहान एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करते हैं। त्रिपाठी एवं चौहान एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं और उनकी पूंजी 1 जनवरी 2015 को क्रमशः 60,000 रुपये एवं 40,000 रुपये है। इसी वर्ष के दौरान में 30,000 रुपये लाभ कमाते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न में लिखा है इसी वर्ष के दौरान, इस पॉइंट को आपको याद रखिएगा, इसी वर्ष के दौरान वे 30,000 रुपये लाभ कमाते हैं। साझेदारी संलेख के अनुसार दोनों साझेदार वेतन के रूप में प्रति माह 1,000 रुपये वेतन के अधिकारी हैं तथा पूंजी पर 5% की दर से ब्याज के लिए सहमत हुए। आहरण पर 5% ब्याज लगाया जाता है। त्रिपाठी ने 12,000 रुपये और चौहान ने 8,000 रुपये आहरित किए। आहरण पर 5% क्या करना है हमको? ब्याज दिया जाएगा, ठीक है, आहरण पर ब्याज दिया जाएगा। पूंजी स्थाई मानते हुए लाभ हानि नियोजन एवं साझेदारों के पूंजी खाते तैयार कीजिए। देखिए यहाँ पर प्रश्न में दिया है पूंजी स्थाई मानते हुए, कहने का तात्पर्य है कि हमको कौन से विधि से पूंजी खाता बनाना है। तो साझेदारों का जो पूंजी खाता है वो हमको स्थाई पूंजी पद्धति के आधार पर हमको बनाना है। क्लियर हो गया। दो प्रकार की विधियां होती है साझेदारों को पूंजी खाता बनाने की। एक तो होती है चालू मतलब परिवर्तनशील पूंजी पद्धति होती है और एक स्थिर पूंजी पद्धति होती है। तो आज हम अभी पढ़ेंगे इस प्रश्न में कि स्थायी पूंजी पद्धति से कैसे साझेदारों के पूंजी खाते बनाए जाते हैं। चलिए देखिए, तो इसमें इस प्रश्न में आपको ये पॉइंट को याद रखना है कि इसी वर्ष के दौरान वे 30,000 रुपये लाभ कमाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इसमें आप प्रश्न मतलब जो आपका बुक है उसमें नीचे में टिप्पणी के रूप में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। इसी वर्ष के दौरान का लाभ मतलब इसका आशय यह है कि चालू वर्ष में समस्त समायोजनों के पश्चात लाभ से है। मतलब आपका जो लाभ जो दिया हुआ है 30,000, वो जितने भी समायोजन है उन समायोजनों को करने के पश्चात जो लाभ मतलब जो बचा हुआ है वही लाभ को यहाँ पर 30,000 रुपये को दिया हुआ है। मतलब आपको आहरण पर ब्याज नहीं देना है, नहीं सॉरी, मतलब आहरण पर ब्याज का उसमें लाभ हानि खाते में लिखना नहीं है उसको, पूंजी पर ब्याज को नहीं लिखना है, वेतन को नहीं लिखना है, जो भी यहाँ पर दिया हुआ है उन सब को हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1,000 रुपये प्रति माह वेतन, ये सब पूंजी पर ब्याज आहरण पर ये सब को लिखने की आवश्यकता हमको नहीं है। तो चलिए कैसे बनेगा उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए लाभ हानि नियोजन खाता इस प्रकार से बनेगा। पहले आप लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे। लाभ हानि नियोजन खाता में देखिए हमने लिख दिया है शेष लाया गया लाभ 30,000 रुपये। वो जो 30,000 रुपये का लाभ था उसको हमने लिख दिया शेष लाया गया लाभ 30,000 रुपये। यहाँ पर देख लीजिए लाभ का वितरण, लाभ का वितरण साझेदारों के पूंजी खाता से त्रिपाठी को 18,000 और चौहान को 12,000। हमने क्या किया, सीधा जो है लाभ को वितरित कर दिया। हमको आहरण पर ब्याज को लेखा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस पक्ष में आहरण पर ब्याज को लिखते हैं लेकिन उसको लेखा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसी प्रकार यहाँ पर भी जो है पूंजी पर ब्याज हो गया और वेतन हो गया, इन सब को हम यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन वहां पर जो टिप्पणी में लिखा हुआ है कि समस्त समायोजनों को करने के बाद जो लाभ है उसको यहाँ पर दिया गया है करके 30,000 रुपये। तो हम सीधा क्या करेंगे, इस 30,000 रुपये के लाभ को हम साझेदारों के पूंजी खाते में बराबर मतलब जो भी अनुपात है उसमें बांट देंगे। क्लियर हो गया। तो 30,000 का हमने क्या किया, लाभ अनुपात में बांट दिया। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे देख लीजिए। तो लाभ का विभाजन त्रिपाठी और चौहान के में, तो 30,000 × 3/5 अनुपात कितना था, 3:2 था। तो त्रिपाठी मतलब 30,000 × 3/5 तो टोटल कितना आ गया, 18,000 रुपये। और यहाँ पे चौहान का हो जाएगा 3/32 कितना है इसका, चौहान का है ये भी 30,000 × 2/5 मतलब इसका दो, इसका तीन भाग और इसका दो भाग, इसलिए ऐसा किए हैं। और इस यहाँ पर हो जाएगा 12,000 रुपये, ठीक है, आप इसको काटेंगे तो 12,000 आएगा, ठीक है, आप कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद हम चलते हैं, ये हो गया आपका लाभ हानि नियोजन खाता क्लियर। लाभ हानि नियोजन खाता के पश्चात हम बनाएंगे साझेदारों का पूंजी खाता। ये कौन से पद्धति से बना रहे हैं हम, स्थिर
पूंजी पद्धति से बना रहे हैं, इसलिए साझेदारों का पूंजी खाता अलग बनेगा और साझेदारों का चालू खाता अलग बनेगा। क्लियर हो गया? तो साझेदारों का पूंजी खाता और चालू खाता में देखिए, साझेदारों को पहले पूंजी खाता बनाते हैं, उसमें जो आपका जो फॉर्मेट है उसको तो आपको बनाना है। यहाँ पे देखिए विवरण, त्रिपाठी और चौहान दो साझेदार हैं, इसलिए दोनों साझेदार का हमने यहाँ पे कॉलम बना दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, शेष लाया गया जो उनकी पूंजी है, साझेदारों की जो पूंजी थी, शेष लाया करके 60,000 और 40,000। त्रिपाठी का 60,000 है और चौहान का 40,000 यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है। अब देख लीजिए, क्रमशः 60,000 और 40,000 यहाँ पे लिखा है त्रिपाठी और चौहान। तो 60,000 और 40,000 की पूंजी है, इसको हमने क्या किया यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। तो शेष लाया गया करके हमने यहाँ पे लिख दिया है, शेष लाया गया 60,000 और 40,000, इसी को हम क्या किए इसको मतलब इस तरफ ले जाते हैं, शेष ले जाया गया करके 60,000 और 40,000, और दोनों तरफ खाता क्या कर दिए, बंद कर दिए। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको। क्लियर हो गया? इतना ही करेंगे। फिर उसके बाद देखिए साझेदारों, ये हो गया आपका पूंजी खाता, उसके बाद हम बनाएंगे साझेदारों का चालू खाता। तो साझेदारों का चालू खाता में हमको जो है, साझेदारों को पूंजी खाता जब अलग बनाते हैं तो हमको पूंजी को छोड़ करके चालू खाता हम सारी चीजों को लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पूंजी पर ब्याज खाता को। देखिए लाभ हानि नियोजन खाता में ये सब तो लिखे नहीं है, लेकिन इसको हम साझेदारों के चालू खाते में हमको लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? साझेदारों के चालू खाते में लिखना पड़ेगा। ठीक है, पूंजी को हमने पूंजी खाता में लिख दिया। अब जो है, अब जो बाकी चीज थी, पूंजी पर ब्याज है, आहरण पर ब्याज है, ये सारे को हमको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो पूंजी पर ब्याज खाता को करके लिख दिए। पूंजी पर ब्याज खाता 3,000, यहाँ पे 2,000 पूंजी पर ब्याज दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो पूंजी पर ब्याज दिया हुआ है, देखिए पूंजी पर 5% की दर से ब्याज, तो 60,000 का 5% निकालेंगे, है ना, तो 60,000 का 5% निकालेंगे और 40,000 का 5% निकालेंगे। ठीक है, ये हो गया। आहरण पर ब्याज बोला है, आहरण पर कितना परसेंट ब्याज बोला है, 5% लगाया जाता है, तो आहरण पर भी 5% ब्याज निकालेंगे आप, 12,000 का 5% और 8,000 का 5%। ठीक है, ये हो गया। और आहरण कितना किया है, 12,000 और 8,000, तो इस दोनों को, आहरण पर ब्याज और आहरण को हम कौन से पक्ष में लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे क्या बोलते हैं, जो साझेदारों का पूंजी खाता बनाते हैं उसके डेबिट पक्ष में लिखेंगे। क्लियर हो गया? साझेदारों के पूंजी खाता के डेबिट पक्ष में लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए जो पूंजी पर ब्याज है उसको हम साझेदारों के जो चालू खाता है उसके क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। क्लियर हो गया? यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर इसकी गणना हमने किया हुआ है नीचे, आहरण पर ब्याज की गणना में देख लीजिए। यहाँ पर त्रिपाठी 12,000 × 5/100, आहरण 12,000 का किया है, उसमें 5% के हिसाब से तो 600 रुपये निकल गया, और चौहान का कितना निकल जाएगा, 8,000 × 5/100 = 400 रुपये निकल गए। ठीक है, पूंजी पर ब्याज, अब पूंजी पर ब्याज की गणना, तो त्रिपाठी का कितना, 6,060,000। देखिए यहाँ पर क्या करना है हमको, पूंजी पर जब ब्याज की गणना करनी है तो वहां पर जो है त्रिपाठी का जो पूंजी कितना है, 60,000 है, उसमें 5% कर देंगे, 5% है, पूरे साल भर का निकाल रहे हैं इसलिए 3,000 रुपये इसका निकल गया। चौहान का 40,000 × 5/100 करेंगे तो 2,000 रुपये। ठीक है, ये पूंजी पर ब्याज की गणना हो गई। लाभ का तो गणना हमने कर लिया, और उसके बाद यहाँ पर देखिए आहरण भी है, आहरण के ब्याज की भी गणना हमने कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए साझेदारों का चालू खाता, तो साझेदारों के चालू खाते में हम यहाँ पे आहरण खाता से करके इस पक्ष में लिखते हैं, डेबिट पक्ष में, आहरण खाता से करके। ठीक है, आहरण खाता से कितना था, आहरण कितना था उनका, तो 12,000 रुपये का आहरण था। ठीक है, 12,000 रुपये का आहरण था उनका, तो 12,000 हमने लिख दिया। और चौहान का कितना था, 8,000 रुपये, तो त्रिपाठी का 12,000, चौहान का 8,000, ये हो गया। आहरण पर ब्याज खाता से अब हमको क्या करना है, आहरण पर ब्याज खाता से करके लिखना है 600 और 400 रुपये। ठीक है, आहरण पर ब्याज खाता से करके 600 और 400, ये दोनों हमने लिख दिया। गणना यहाँ पर आपको मैं बता दिया हूँ कैसे कर किए हैं। उसके बाद यहाँ पर ये दो काम यही इस पक्ष में करना था, डेबिट पक्ष में उसको हमने लिख दिया है। फिर हम साझेदारों के चालू खाते में हम इस क्रेडिट पक्ष को दे रहे हैं, तो क्रेडिट पक्ष में हमको लिखना है पूंजी पर ब्याज खाता को, तो पूंजी पर ब्याज खाता को करके डालेंगे इसमें 3,000 रुपये और 2,000 रुपये। क्लियर हो गया? 3,000 रुपये पूंजी पर ब्याज खाता को करके त्रिपाठी का, और 2,000 रुपये
चौहान का, यहाँ पर हमने गणना किया पूंजी पर ब्याज 3000 और ये 2000 रुपए का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए वेतन खाता को करके हमको हमने वेतन दिया दोनों को, त्रिपाठी और चौहान को, तो 12000 और 12000 यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, दे दीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोनों साझेदार वेतन के रूप में प्रतिमाह 1000 रुपए वेतन के अधिकारी हैं, वेतन के अधिकारी हैं, यहाँ पर लिखा है 1000 रुपए प्रतिमाह, तो 12 माह का निकालेंगे तो 12000 रुपए हो गए एक का, तो दोनों का 12-12000 हो जाएगा, ठीक है। तो वेतन पाने के अधिकारी हैं, क्लियर हो गया होगा, 12000 हमने डाल दिया वेतन का, और यहाँ पे लिख दिया लाभ हानि नियोजन खाते को। इसको कहाँ से लाए, तो लाभ हानि नियोजन खाते को करके हमने जो लाभ हानि नियोजन खाता बनाया, लाभ हानि नियोजन खाता में यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए साझेदारों का लाभ जब वितरण किया तो त्रिपाठी और चौहान का 18000 रुपए, त्रिपाठी का, चौहान का 12000 रुपए, ठीक है। यही लाभ हानि नियोजन का जो लाभ है उसको हम कहाँ लिखेंगे, इस यहाँ पर लिखेंगे लाभ हानि नियोजन खाता को करके 18000 यहाँ पे ला दिए, और चौहान का ये इस पक्ष में चौहान का जो है अपने चौहान वाले कलम में लिख दिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है, और उसके बाद दोनों पक्ष का योग लगा देंगे, दोनों पक्ष का योग लगाएंगे तो ये वाला पक्ष जो है ज्यादा है, यहाँ पर 33000 हो रहा है, यहाँ पर जो है 12600 है, जबकि यहाँ पर देखिए 3000, 12000, 18000, मतलब टोटल 33000 है। तो 33000 में से हम क्या किए, 12600 को माइनस किए तो कितना आ गया, 20400 आ गया, इसको शेष ले जाया करके लिख दिया यहाँ पर। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी जो टोटल हो रहा है 26000 में से 8400 को माइनस किए तो कितना आया, 17600, इसको यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है साझेदारों का चालू खाता और साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है। देख लीजिए ये लाभ हानि नियोजन खाता बन गया, फिर साझेदारों का क्या बन गया, ये पूंजी खाता बन गया, और साझेदारों का चालू खाता, और गणना को आप इस प्रकार से नीचे में लिख सकते हैं, ठीक है। दो तीन गणना ही होता है, पूंजी पर ब्याज की गणना होगा, और आहरण पर अगर ब्याज की गणना करके के लिए बोला है, मतलब ब्याज दिया जाएगा तो होगा, ठीक है, और लाभ का विभाजन जो होता है उसकी गणना करना है हमको, क्लियर हो गया। अब प्रश्न क्रमांक 14 में चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 14 को देखिए, अनिल विमल व सुनील साझेदार हैं, अनिल विमल और सुनील साझेदार हैं, जो लाभालाभ 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। देखिए कितने अनुपात में बांटते हैं, 3:2:1, ठीक है। इसको लाभ को कितना में बांटते हैं, 3:2:1, लाभ या हानि होगा, ठीक है। उनकी पूंजी क्रमशः 40000 और 20000 है, मतलब अनिल का 40000, विमल का 40000, सुनील का 20000 है, ठीक है। प्रत्येक साझेदार पूंजी पर 5% ब्याज का अधिकारी है, मतलब पूंजी पर 5% ब्याज दिया जाता है, ठीक है। विमल और सुनील क्रमशः 600 रुपये और 400 रुपये मासिक वेतन पाने के अधिकारी हैं। देख लीजिए मासिक वेतन बोल रहा है तो 600 गुणित कितना करना पड़ेगा, 12, और 400 गुणित 12, मतलब कितना हो गया, 600 गुणित 12 करें 12×6=72, ठीक है। तो 7200, और ये 4×12 करें 12×48, 4800 रुपये हो जाएगा ये, ठीक है। उसको हम लिखेंगे, कहाँ पर लिखेंगे उसको मैं बता दूंगा आपको, है ना, इस टाइप से लिखना पड़ेगा हमको। यहाँ पर देखिए 12×72 और 4800 रुपये, तो यहाँ पर देखिए, और वर्ष 2007 में अनिल ने 4000 रुपये, विमल ने 4000 रुपये और सुनील ने 4800 रुपये लाभ और वेतन मिलने की आशा में आहरण किया, ठीक है। मतलब अनिल ने 4000 का आहरण किया, विमल ने भी 4000 का आहरण किया, और सुनील ने कितने का आहरण किया, 4800 रुपए, 4800 का आहरण किया, किसकी आशा में, लाभ और वेतन मिलने की आशा में आहरण कर लिया, ठीक है। वर्ष का लाभ साझेदारों का वेतन लगाने के बाद, साझेदारों का वेतन लगाने के बाद, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, साझेदारों का वेतन लगाने के बाद बोल रहे हैं, किंतु उनकी पूंजियों पर ब्याज लगाने के पूर्व, मतलब आपको साझेदारों का जो वेतन है उसको लाभ हानि नियोजन खाता में नहीं लिखना है। देखिए लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बनाया जाता है आपको समझना है, तो लाभ हानि जो नियोजन खाता जो बनाया जाता है, वो लाभ हानि नियोजन खाता साझेदारों का जो क्या बोलते हैं, लाभ का, लाभ या हानि है उसकी ज्ञान के लिए जो है लाभ हानि नियोजन खाता हम बनाते हैं। उसमें उनका कितना कितना खर्च हुआ और कितना उनका जो है मतलब शुद्ध लाभ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि वर्ष का लाभ साझेदारों का वेतन लगाने के बाद, मतलब लाभ हानि नियोजन खाता में हमको वेतन लगाने के बाद, मतलब वेतन को लिखना नहीं है, किंतु उनकी पूंजियों पर ब्याज लगाने के पूर्व, मतलब पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व बोल रहा है, इसलिए हम इसको
कितना है, 32,000 रुपये का लाभ है बोल रहा है, तो ब्याज लगाने के पूर्व है इसलिए हम ब्याज को वहां पे लिखेंगे, और वेतन लगाने के बाद बोल रहा है तो वेतन को हमने दे दिया, उसके बाद 32,000 बच रहा है, याद रखिएगा ठीक है। तो हमको याद रखना है कि इसमें पूंजी पर ब्याज को हमको लाभ नियोजन खाता में लिखना है, लेकिन वेतन को लाभ नियोजन खाता में नहीं लिखना है। यह लाभ 20,000 रुपये मूल्य के फर्नीचर पर 7.5% ह्रास तथा 600 रुपये अप्राप्त ऋण के समायोजित करने के पूर्व है ठीक है। यह जो लाभ है वो 20,000 रुपये मूल्य के फर्नीचर पर 7.5% ह्रास, मतलब हमको ह्रास भी लगाना पड़ेगा किसमें, फर्नीचर पर ह्रास करके निकालना पड़ेगा, और 600 रुपये अप्राप्त ऋण के समायोजित करने के पूर्व है, मतलब ये जो है वो इसके पूर्व है, इसको नहीं लिखे उसके पूर्व का है, मतलब इसको भी तो हमको क्या करना पड़ेगा, समायोजित करना पड़ेगा। तो शेयरधारकों को पूंजी खाते बनाइए जबकि पूंजी क्या बोलते हैं अस्थायी हो तथा पूंजी स्थायी हो, दो प्रकार के दोनों विधियों से बनाना है हमको ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए लाभ हानि नियोजन खाता जब बना रहे हैं तो ये दूसरा है, देखिए लाभ 14 का लाभ हानि नियोजन खाता जब बनाएंगे तो हम यहाँ पर विवरण राशि ठीक है, तो शेष लाए गए 32,000 रुपये जो लाभ था उसको ले आए, फिर पूंजी पर ब्याज खाता को, पूंजी पर ब्याज खाता को हमको लिखना है, पूंजी पर ब्याज का कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा ठीक है। 40 40 और 20,000 है तो 40 5% निकालना है, तो 2,000 निकल गया, यहाँ पे 1,000 हो गया ठीक है। जैसे पहले वाले में पूंजी पर ब्याज की गणना किया ना, इसी प्रकार यहाँ पे 40,000 गुणित 5/100 करेंगे तो 2,000 निकलेगा, यहाँ पर भी 2,000 हो जाएगा, जैसे 40,000 गुणित 5/100 किए हैं वैसे, और जो 20,000 है उसका आधा आ जाएगा 1,000 ठीक, तो टोटल कर दिए 5,000। अब यहाँ पर लिखा है ह्रास खाता से फर्नीचर पर ह्रास लगा, तो 20,000 का 7.5% निकालेंगे तो 20,000 का 7.5% कितना होता है, 1,500 रुपये ठीक है। 7.5% कितना होगा, 1,500 रुपया, या कैसे 10,000 में 7.5% 750 रुपया, तो 750 तो 20,000 में 1,500 रुपये हो जाएगा ठीक है, क्लियर हो गया। तो 20,000 में हमने 7.5% क्या निकाल लिया, ह्रास निकाल लिया, इसको भी हमने लिख दिया यहाँ पर। अब डूबत ऋण संचय खाता से 600 रुपये का हमको डूबत ऋण है उसका क्या करना पड़ेगा, हमको समायोजन करना है, इसलिए डूबत ऋण संचय खाता से करके लिख दिए 600 रुपये, क्लियर हो गया। इसका भी हमको समायोजन करना है इसलिए लिखा है हम यहाँ पर। और जो क्या बोलते हैं वेतन है, वेतन को भी हम यहाँ पे लिखते हैं, वेतन को लाभ हानि नियोजन खाता में, लेकिन वेतन देने के बाद का लाभ बताया गया है, वेतन देने के पूर्व नहीं लिखा है प्रश्न में, वेतन देने के बाद हाँ देख लीजिए प्रश्न में क्या लिखा है, वेतन लगाने के बाद बोल रहे हैं ठीक, तो इसलिए वेतन को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे ठीक। और अप्राप्त ऋण के लिए उसको समायोजन करना, तो अप्राप्त ऋण संचिति बनाना पड़ेगा ठीक है। तो अप्राप्त ऋण संचय खाता से या डूबत ऋण संचय खाता से लिख सकते हैं, अप्राप्त ऋण संचय खाता से करके भी लिख सकते हैं ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लाभ का वितरण, तो साझेदारों के पूंजी खाता से लाभ का वितरण में क्या हो जाएगा, साझेदारों पूंजी खाता से करके लिखेंगे, लाभ जो होगा 32,000 में से 5,000 और 1,500 और 600 इतने को सबको जोड़ करके हमने घटा दिया तो कितना आया, 24,900, इसको हम क्या करेंगे साझेदारों के पूंजी खाता से करके कौन सा अनुपात में, यहाँ पर अनुपात भी दिया है, यहाँ पर देख लीजिए 3:2:1 अनुपात में बांटेंगे ठीक है। तो बांटना कैसे है, तो यहाँ पर देखिए 3:2 है, तो यहाँ पर 3:2:1 कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 2 5 और यहाँ पे 1 रहेगा तो 6 हो जाएगा, तो 6 तो मान लीजिए कितना आया है 24,900, तो 24,900 गुणित कितना करेंगे, 1 का 3 है तो 24,900 गुणित 3/6 कर देंगे ठीक, तो 3/6 कर देंगे तो उससे क्या होगा, कैलकुलेशन जब करेंगे तो 12,450 रुपये और यहाँ पे 8,300 रुपये आएगा ठीक है, और यहाँ पे 4,150 रुपये, इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा क्लियर। फिर उसके बाद ये हो गया हमारा लाभ हानि नियोजन खाता हो गया। अब हम चलते हैं क्या पूंजी अस्थायी हो, पूंजी अस्थायी हो तो क्या होगा, मतलब हमारा पूंजी जो है क्या है परिवर्तनशील विधि से अगर हम बनाते हैं ठीक है, तो पूंजी खाता जब बना रहे हैं साझेदारों को पूंजी खाता, यहाँ पर ऊपर में लिख लीजिएगा साझेदारों का पूंजी खाता करके ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विवरण अनिल विमल सुनील तो यहाँ पर क्या किया, शेष लाया गया 40,000 और यहाँ पे 40,000, यहाँ पे 2,000,
ठीक है, 40,000, 40,000 और सॉरी 20,000 है ना, यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न में ये 40,000, 40,000, 20,000, तो हम यहाँ पे शेष लाया करके लाभ सॉरी उसको लिख दिए, पूंजी को लिख दिए। उसके बाद वेतन खाते को हमको इसमें जो है सभी चीजों को मेंशन करना रहता है ना, लाभ हानि खाता में जो चीज नहीं है उसको भी हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे वेतन को यहाँ पे नहीं लिखे हैं लेकिन हमको यहाँ पर वेतन को लिखना पड़ेगा। तो वेतन खाते को करके देख लीजिए, अनिल को तो वेतन दिए नहीं, विमल और सुनील को दिए हैं, तो 72,48,600 12 माह का देना था हमको, तो 600 रुपये प्रति माह था, तो उसको हमने गुणा करके 72,00 आया, उसको लिख दिया। सुनील का भी ठीक उसी प्रकार था तो उसको भी हमने लिख दिया है, देख लीजिए वेतन कहाँ पर लिखा है उसको, है ना, 600 रुपया सॉरी यहाँ पे 600 रुपया सुनील को, विमल को 600 रुपया और सुनील को 400 रुपया, तो 600 × 12 कर दीजिए, 400 × 12, तो जो भी आएगा उसको हम यहाँ पर लिख दिए, 72,48,00 आया उसको लिख दिए हैं। फिर हम पूंजी पर ब्याज खाता को दो जो चीजें फॉर्मेट में रहती है वो सारे को हमको यहाँ पर लिखना है, जो जो चीजें इस प्रश्न में दिया हुआ है, तो पूंजी पर ब्याज खाता को पूंजी पर ब्याज को देना है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया पूंजी पर ब्याज खाता को करके 2,000 रुपये, 2,000 और 1,000 रुपये, क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए पूंजी पर ब्याज हमने निकाला है 2,000, 2,000 और 1,000, यहाँ पर हमने लिख दिया वह उसको। फिर लाभ हानि नियोजन खाता को, लाभ हानि जो यहाँ पर जो निकला है, लाभ हानि मिला है हमको ये 12,450, 8,300, 4,150, उसको हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, किसमें, पूंजी खाता में, ठीक, परिवर्तनशील पूंजी खाता में लिख दिया है, सरदारों पूंजी खाता में हमने लिख दिया। अब इस पक्ष में देखिए आहरण खाता से, आहरण खाता से कितना है, 4,000, 4,000, 48,000। अब प्रश्न में दिया है कि आहरण पर ब्याज, प्रश्न में आहरण पर ब्याज के बारे में कोई कुछ नहीं दिया है, ठीक है, आहरण किया गया है बस इतना लिखाया है, आहरण पर ब्याज के बारे में कोई निर्देश नहीं है, इसलिए हम आहरण पर ब्याज नहीं लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आहरण खाता से करके 4,000, 4,000, 48,000 रुपये, क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पक्ष को योग लगा लेंगे, तो ये हो जा रहा है 54,450, तो 54,450 में से 4,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 50,450, ठीक। उसी प्रकार सब एक एक जो कॉलम है उसको हम उस कॉलम के राशि से कम माइनस करते जाएंगे और जो भी शेष आएगा उसको लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार और नीचे में क्या कर देंगे, योग लगा देंगे, और योग लगाने के बाद दो लकीर खींचेंगे नीचे में, क्लियर हो गया। उसके बाद पूंजी स्थाई हो, मतलब स्थिर पूंजी पद्धति से हमको बनाना है, तो स्थिर पूंजी पद्धति में क्या करते हैं हम, जो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में बनाते हैं तो हम पूंजी को भी लिख देते हैं और उसके साथ अन्य जो मदें हैं उसको भी लिखते हैं, लेकिन जब स्थिर पूंजी पद्धति बनाएंगे तो उसमें जो है शेष लाया गया करके जो पूंजी है केवल उसी को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया शेष लाया गया करके पूंजी 40,000, 40,000 और 20,000, और इसी को शेष ले जाया गया करके भी लिख दिए आगे, शेष ले जाया गया करके 40,000, 40,000, 20,000, और यहाँ पे क्लोज कर दिए, बस इतना ही है उसका पूंजी खाता। फिर साझेदारों का जो चालू खाता बनाते हैं, तो साझेदारों का चालू खाता में पूंजी पूंजी खाता जो है, मतलब पूंजी जो लाया रहता है उसको शेष लाया करके लिखे रहता है, उसको छोड़ करके बाकी को शेष साझेदारों का चालू खाता में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे वेतन खाता को, पूंजी पर ब्याज खाता को, लाभ हानि नियोजन खाता को, और यहाँ पे आहरण है और शेष ले जाएंगे, ठीक। उसी प्रकार हमने यहाँ पे वेतन खाता को, पूंजी पर ब्याज खाता को, लाभ हानि नियोजन खाता को, ये सारे को लिख दिए, और इसमें क्या कि इन सब का जोड़ लगा दिए और यहाँ पर आहरण खाता से करके लिख दिया है, आहरण जो हुआ है। अब इन सब का जोड़ लगाया तो कितना हुआ, 14,450 रुपये हुआ, और इस 14,450 में से 4,000 को माइनस कर देंगे, अनिल का जो कॉलम है उसमें क्रेडिट परसेंट कॉलम से डेबिट परसेंट कॉलम को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 4,000 माइनस हो जाएगा तो 10,450 आ गया, ठीक। उसी प्रकार 17,500 में 4,000 को माइनस करेंगे तो 13,500, 9,950 में से 4,800 को माइनस करेंगे तो 5,150 रुपये आ जाएगा, ठीक है, जिसको शेष ले जाया करके लिख देंगे हम। यहाँ पर देखिए विमल के वेतन का गणना कर दिए हैं, 600 × 12 मतलब 7,200 यहाँ पर देख लीजिए, और 400 × 12 बराबर 4,800, ये हमने गणना कर लिया है, तो ठीक। इसी प्रकार से आपको जो है साझेदारों का चालू खाता बनाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस फॉर्मेट को समझना है। जैसे लाभ हानि नियोजन खाता में आप एक चीज को याद रखिए, आपसे आपके लिए एक ट्रिक है कि लाभ हानि नियोजन खाता में हम जिस मदों को हम विकलन पक्ष में लिखते हैं उसको लाभ हानि सॉरी साझेदारों के पूंजी खाता में हम उसको समाकलन पक्ष में लिखते हैं। आप अधिकतर चीजों को देखेंगे, जैसे पूंजी पर ब्याज है उसको विकलन पक्ष में लिखते हैं, तो यहाँ पर साझेदारों के चालू खाता में किस में लिखते हैं, समाकलन पक्ष में। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये है लाभ हानि नियोजन खाता,
इसमें पूंजी पर ब्याज खाता सह करके लिखे हैं, ठीक। कौन सा पक्ष है? विकलन पक्ष है, डेबिट पक्ष है, तो यहाँ पे इसको क्रेडिट पक्ष हम लिखे। देखिए पूंजी पर ब्याज बेहतर रहेगा तो वेतन को भी यहीं पर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी लाभ है, ये लाभ को बांटे हैं उसको हम यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। तो वो सब चीज को हम इस पक्ष में लिखते जाते हैं, इसको याद रखिएगा। आप अगर फॉर्मेट में जैसे पुस्तक ओपन करेंगे तो एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उसको आप याद कर लीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो बार बार आपको देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। केवल एक ट्रिक है और ट्रिक से समझ भी सकते हैं। उसके बाद देखिए इंग्लिश मीडियम वाले कैसे करेंगे, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी पहले तो पहला जो क्वेश्चन था 13वां नंबर का क्वेश्चन, उसमें क्या करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको शेष लाया गया करके भी लिखते हैं, तो बाय क्या बोलते हैं बैलेंस बीटी करके लिख सकते हैं और उसमें प्रॉफिट लिख सकते हैं, उसके बाद 30,000, या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके भी लिख सकते हैं 30,000। और इधर जो 13वां नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें त्रिपाठी और चौहान था, उसको हमने क्या किया 18,000 और 20,000 सॉरी 12,000 बांट दिए और टोटल कितना हो गया 30,000 रुपये। इस प्रकार से आपको बना सकते हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाएंगे, सॉरी ये हो गया आपका 13 का, तो 13 में यहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा और करेंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल को लिख देंगे, फिर उसके बाद करेंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट और बाय सैलरी और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो भी रहेगा उसको हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। 3,000, 2,000 इधर है, 12,000 रुपये सैलरी दोनों को मिला था बराबर बराबर, 18,000 रुपये और यहाँ पे 12,000। ये हम लोग 13 के बात कर रहे हैं, 13 में ये वाला जो है लाभ हानि नियोजन खाता हो गया, फिर पूंजी खाता हो गया, ठीक है। उसके बाद ये है पूंजी पर ब्याज वेतन और लाभ हानि खाता, ठीक। आहरण खाता से आहरण पर ब्याज और शेष ले जाएगा, ठीक। इसी को हमको यहाँ पे लिखना है, इंग्लिश वाले ध्यान रखेंगे, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट और सैलरी अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इधर आहरण खाता मतलब ड्राइविंग अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग अकाउंट, ठीक है, ये हो गया। और बाई बैलेंस सी डी, ठीक, करेक्ट डाउन, और यहाँ पे जो शेष आया उसको हमने लिख दिया, ठीक। उसी प्रकार हम 14 का भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, इस प्रकार से बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बाय बैलेंस बीडी और ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्रॉफिट करके, ठीक है, 32,000 ले आए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट मतलब जो पूंजी पर ब्याज है उसको लिख दिया हमने, अनिल का, विमल का और सुनील का। उसके बाद डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर मतलब फर्नीचर पर जो ह्रास लगा उसको लिख दिए हैं, ठीक। उसके बाद टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट मतलब जो बैड डेप्ट के लिए मतलब डूबल ऋण के लिए जो संचय किए हैं उसको लिख दिए, और यहाँ पर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लाभ का वितरण किया गया साझेदारों के पूंजी खाता में, अनिल, विमल और सुनील, इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमको दो विधि दिया गया था, एक तो स्थायी पूंजी पद्धति और एक जो है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। तो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति देख लीजिए, फ्लक्चुएटिंग है ना, वेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, तो उसमें क्या लिखा है पार्टनर से कैपिटल अकाउंट। तो इसमें देखिए पार्टनर से जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे मतलब ये क्या है परिवर्तनशील विधि से है, तो इसलिए जो है बैलेंस बीटी करके लिए ये क्या बोलते हैं कैपिटल को लिख दिए यहाँ पे कैपिटल को, फिर उसके बाद सैलरी, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो प्रॉफिट था उसको हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ड्राइविंग को लिख दिया और बाय बैलेंस सीडी करके लिख दिया, ठीक। इस प्रकार से आपको बनाना है। फिर उसके बाद देखिए पार्टनर से कैपिटल अकाउंट जब कब वेन कैपिटल इज फिक्स्ड जो क्या बोलते हैं मेथड है उसके आधार पे, है ना। तो फिक्स्ड मेथड के आधार पे क्या करेंगे पार्टनर से कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट क्रेडिट और यहाँ पे देख लीजिए बाय बैलेंस बीडी और 40,000 और क्या हो गया 20,000, है ना। और यहाँ पे टू बैलेंस अकाउंट या शेष ले जाएगा जो लिखते हैं बाय बैलेंस सी डी करके लिख सकते हैं, क्लियर हो गया, इस प्रकार से बनाना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो पार्टनर से करेंट अकाउंट हो गया, तो पार्टनर से करेंट अकाउंट में क्या होगा, तो यहाँ पर ये जो चीज है उसको अलग कर दिए हमने,
तो इसमें क्या क्या लिखेंगे, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो लाभ है उसको लिख देंगे, सैलरी कितना कितना दिए थे उसको, ब्याज कितना दिया उसको लिख देंगे, और यहाँ पर ड्राइविंग अकाउंट जो भी आरण जो किए थे उसको लिख दिए, और यहाँ पे बाई बैलेंस सीडी करके और यहाँ पे उसका योग लगा दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है इंग्लिश में भी बना सकते हैं, आप हिंदी में भी बना सकते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग जो है कोशिश कीजिए कि हर चीज का मीनिंग याद रखिए, क्योंकि आप जब बीकॉम पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो है बहुत सारे चीजों में दिक्कत आएगी अगर आप हिंदी मीडियम से रहेंगे तो इसलिए जो है आप इंग्लिश मीडियम से भी मतलब इंग्लिश मीडियम के माध्यम से भी आप क्वेश्चन को हल करते रहिए, इंग्लिश में हल करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।